Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre les articles indéfinis. Bienvenue sur ma chaîne YouTube for Language Classes. Je m'appelle Ashwini Sharma, je suis professeur de langue étrangère. Et aujourd'hui, nous discutons de l'indéfinis article. En anglais, indéfinis article est a, an and some. Yes? But in French, French peut use karna jata hai, un, une or des. Un, इन दोनों का मीनिंग है ए एन और अ यूज करा जाता है मैस्कुलिन नाउन के लिए, इन को यूज करा जाता है फेमिनिन नाउन्स के लिए और दे मींस होता है सम यानी कि ये प्लूरल नाउन है। तो एग्जांपल देखिए आप ध्यान से, अ के एग्जांपल अ यूज करा जाता है मैस्कुलिन के लिए, इज दैट क्लियर? अ लीव, अ लीव, अ बुक, अ problem, a problem, a problem, a cafe, a cafe, a coffee, a tea, a tea, a tea, a chocolate, a chocolate, a chocolate, a gato, a gato, a cake, a garçon, a garçon, a boy, a jardin, a jardin, a garden, etc. तो यहाँ पर आर्टिकल यूज हो रहा है a, क्योंकि ये जो नाउन है ये मैस्कुलिन नाउन है। ऐसे ही यून, यून यूज करा जाता है फेमिनिन नाउन्स के लिए। तो ध्यान से देखिए आप, यून फीए, यून फीए, अ गर्ल, यून कैस्टियों, यून कैस्टियों, अ क्वेश्चन, यून मेजों, une maison, a house, une pomme, une pomme, an apple, une gare, une gare, railway station, une femme, une femme, a lady, etc. तो यहां पर हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं यून, क्योंकि सारे जो नाउन है वो फेमिनिन नाउन है। ऐसे ही दे यूज करा जाता है, दे यूज करते हैं सम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दे गार्सन, दे गार्सन सम बॉयज, दे कैस्टियों, दे कैस्टियों सम क्वेश्चंस, दे मेजों, des maisons, some houses, des problèmes, des problèmes, some problems, des gâteaux, des gâteaux, some cakes, des chocolats, des chocolats, some chocolates, des filles, des filles, some girls, des blah 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 blah. Yes, तो इस तरीके से आप इन आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं। अ यूज करा जाता है मैस्कुलिन नाउन्स के लिए, मीनिंग होता है ए और एन दोनों। यू ने हम यूज करते हैं फेमिनिन नाउन्स के लिए, मीनिंग होता है अ और एन दोनों। और दे यूज करा जाता है प्लूरल नाउन के लिए, मीनिंग है सम। यस, इज दैट क्लियर? तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, और फ्रेंच को आप लगातार सीखते रहिए इसी तरीके से। और वीडियो देख कर अगर आपकी कुछ वैल्यू बढ़ी तो प्लीज इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। तब तक मैं नए वीडियो मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आतो ताला।